हेलो फ्रेंड्स, ओडिया कर्नर यूट्यूब चैनल रे आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। आज सोमवार सकाळ रो किछि ताजा खबर फटाफट देखि नियंतु। भुवनेश्वर रे कमुछि संक्रमण। गतकाली भुवनेश्वर चिन्हट हेले 566 कोरोना आक्रांत, सेपटे सुस्थ हेले 1231 जण। भुवनेश्वर को डराउछि कोरोना भूताणु। गतकाली गोटिए दिन रे चिन्हट होइछन्ति 566 कोरोना आक्रांत। क्वारंटाइन सेन्टर रु 112 जण चिन्हट होइथिबा बेले 454 लोकल केस चिन्हट सेहीपरि 1231 कोरोना आक्रांत सुस्थ होई घर को फेरी। भुवनेश्वर मंचेश्वर रसुलगढ़ हंसपाल पहाल शहीदनगर सत्यनगर झारपड़ा खंडगिरी पटिया जयदेव विहार नयापल्ली कल्पना बमिखाल बरमुंडा चिंतामणेश्वर एजी कलोनी पलासपल्ली पोखरीपुर शैलश्री विहार सामंतरापुर आदि अंचल पॉजिटिव चिन्हट होई। वर्तमान भुवनेश्वर 80485 पहुंची कोरोना आक्रांतों संख्या। से हीपरी 71313 जन सुस्थ हो घर को फेरी। आहुरी 8796 कोरोना पॉजिटिव भुवनेश्वर सक्रिय रही। परवर्ती एणिक दरमाई आपण को सोमवार जाए करवाक पड़बनी अपेक्षा। विकेंड रे मध्य आसीबो सैलरी। कर्मचारियों आसला खुशी खबर। सप्ताह शेष दिन में भी आसीबो सैलरी। एबे आपणक दरमाई आपण को शनिवार एवं रविवार अर्थात सप्ताह शेष होबार अपेक्षा करबाकू पड़िबो नाही। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस बा NSCH नियम रे परिवर्तन करिछि आरबीआई। एही सुविधा आसंता अगस्त मास 1 तारिख रु सप्ताह रो 7 दिन उपलब्ध हेबो। वर्तमान एही सुविधा आपणकू सेतेबेले मिलुतिला जेतेबेले की बैंक गुडीको खुला रहुतिला। साधारणत सोमवार रु शुक्रवार मध्य रे ही NSCH रो सुविधा मिलुतिला। तेबे अनेक थरो एमिति होइथे मासर प्रथम तारिख वीकेंड अर्थात सप्ताह रो शेष दिन रे पड़ी थाए, जेउते पई आपनको अकाउंट रे सैलरी आसीबा को आपनको सोमवार जाय अपेक्षा करबा को पड़ी थाए। तेबे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास गतकाली क्रेडिट पॉलिसी समीक्षा समय घोषणा करिसेंति जे ग्राहकों सुविधा को आहुरी बढ़ेबा पई NSCH को सप्ताह रो सबुदिन लागू करबा पई प्रस्ताव दिया जाय छि। परवर्ती टीला राज्य रे कोरोना रो सुस्थ हेले 7358 जण आक्रांत। कटक जिला रो सर्वाधिक 1038। राज्य रे गतकाली कोरोना वायरस संक्रमण 7358 जन कोरोना आक्रांत सुस्थ होती। कटक जिला सर्वाधिक 1038 जन सामिल अच्छा। राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पक्ष ट्वीट जरिए सूचना दी जाए। एसत राज्य में कोरोना सुस्थ हो आक्रांतों संख्या 7,39,376 को वृद्धि पाई। स्वास्थ्य विभाग सूचना अनुसार अनुगुल जिलूर गतकाली 482 जन कोरोना आक्रांत सुस्थ होती। पुरी 457, ढेंकानाल 390, बरगढ़ 321, संबलपुर 303, नवरंगपुर 290, नयागढ़ 279, मयूरभंज 262, केन्दुझर 249, भद्रक 246, जाजपुर 240, जगतसिंहपुर 212, कोरापुट 211, सुंदरगढ़ 181, रायगढ़ 156, सुवर्णपुर 154, कलाहांडी 147, गंजाम 132, केन्द्रापड़ा 114, मालकानगिरी 99, बलांगीर 90, झारसुगुड़ा 86, कंधमाल 83, बालेश्वर 71, देवगढ़ 62, गजपति 60, नुआपड़ा 50, बौद्ध 24 और राज्यपुर 146 जन कोरोना आक्रांत सुस्थ होती। परवर्ती पुणी बढ़ला पेट्रोल डीजेल दर। देश में पेट्रोल और डीजेल दर क्रमगत भाव बढ़ी चली। रविवार दिन पेट्रोल लिटर पिछा 27 पैसा और डीजेल 29 पैसा वृद्धि करते। मिसाई गत 34 दिन में अर्थात मे 4 पर तेल दर 19 थर बढ़ला। 19 थर में पेट्रोल मोट 4.63 पैसा और डीजेल 5.22 पैसा महंगा होई। वृद्धि पर दिल्ली में पेट्रोल लिटर पिछा 95.03 पैसा और डीजेल लिटर पिछा 85.95 पैसा बिक्री होपरी। मुंबई में पेट्रोल लिटर पिछा 101.25 पैसा और डीजेल लिटर पिछा 93.30 पैसा बिक्री हो। भुवनेश्वर पेट्रोल लिटर पिछा रेकर्ड स्तर 95.49 पैसा पहुंची जापरी। डीजेल दर 93.34 पैसा पहुंची। परवर्ती ऑनलाइन ठकई अभियोग। दुई जन डिप्लोमा छात्र गिरफ। 1,00,000 टंका जबत। कोरोना भाइरस महामारी समय डिजिटल पेमेंट तथा डिजिटल माध्यम रे अधिकांश आर्थिक काम करुवा बेले अनेक लोक ठकी रो शिकार होउथुबा अभियोग हेउछि। राजधानी भुवनेश्वर ऑनलाइन माध्यम रे लोकंकु ठकुथुबा दुई जन डिप्लोमा छात्र गिरफ होइछन्ते। कमिश्नरेट पुलिस एही सूचना देइछि। पुलिस रो सूचना अनुसार जामतरा गैंग
स्टाइल रे लोकों ठारु ऑनलाइन ठके करुथबा दुई जन डिप्लोमा छात्र गिरफ होइछंती। गिरफ दुई छात्र पुरी अंचल रो बोली पुलिस सूचना देछि। उभय डिप्लोमा छात्र लोकों लोभ देखाई सेमानकर बैंक अकाउंट संपर्कित तथ्य हासिल करुथिले। तथ्य मिलिबा परे लोकंकर अकाउंट रु कौशल क्रमे टंका उठाई नेउथिले। पुलिस अभियुक्त मानंक ठारु 1 लाख टंका जबत करथिबा जणा जायछि। गिरफ अभियुक्तक नारे राज्य एकाधिक थाना रे पूर्वरु मामला रहिछि। परवर्ती उत्तर पूर्वांचल को छुईला दक्षिण पश्चिम मौसुमी। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु आहुरी अग्रसर हो भारत उत्तर पूर्व राज्य उत्तर पश्चिम बंग को छुई। यार प्रभाव में सिक्किम अरुणाचल प्रदेश मेघालय प्रबल वर्षा आरंभ हो छड़ा मौसुमी केन्द्रीय आरब सगर आउ किछि अंश समग्र उपकूल कर्णाटक गोवा महाराष्ट्र किछि अंश उत्तर ओ आभ्यंतरण कर्णाटक तेलंगाना ओ आंध्र प्रदेश रो किछि अंश तमिलनाडु आउ किछि अंश केन्द्रीय बंगोपसागर अंचल को छुई बोली भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु कुहा जायछि। आगामी 24 घंटा रे मौसुमी समग्र कर्णाटक महाराष्ट्र आउ किछि अंश तेलंगाना ओ आंध्र प्रदेश रो आउ किछि अंचल को छुईबार संभावना रहिछि। परवर्ती थेला कोरोना चिकित्सा पई आउ एक औषध निक्लोसामाइड परीक्षा आरंभ। कोरोना चिकित्सा पई आरंभ हैला निक्लोसामाइड औषध रो क्लिनिकल ट्रायल। CSIR इंडिया एवं लक्साई लाइफ साइंस एही क्लिनिकल ट्रायल आरंभ करिछंती। औषधर प्रभाव निरापत्ता एवं सहनशीलता को आकलन करिबा पई एही परीक्षा करा जाउछि। केंद्र सरकार को विज्ञान एवं वैषयिक विभाग एही सूचना देछि। पूर्वरु एही निक्लोसामाइड को संक्रमण रु बर्तिबा पई व्यवहार करा जाउथिला। निक्लोसामाइड औषध को विश्व स्वास्थ्य संगठन अत्यावश्यक औषध तालिका रे रखिछि। गत 50 वर्ष धरि एही निक्लोसामाइड को कुर्मी हेले व्यवहार करा जाउछि। 2003-04 रे जेतेबेले SAARC प्रथमे देखा देइतिला सेतेबेले एही औषध को व्यवहार करा जायथिला। केंद्र सरकार निक्लोसामाइड रो द्वितीय पर्याय क्लिनिकल परीक्षा को अनुमोदन दे सारिछंती, किंतु एहा केवल वयस्क रोगी को उपरे व्यवहृत हेउछि। परवर्ती हेला राज्यर 5 शहर रे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सेवा शुभारंभ। ओडिसार 5टी शहर रे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर घरे पहुंचिबो। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक गतकाली एही सेवा शुभारंभ राज्य सरकार योजना अनुसार भुवनेश्वर कटक ब्रह्मपुर संबलपुर और राउरकेला रे मेडिकल ऑक्सीजन आवश्यक करुथबा लोकों घरे एही सेवा जोगाय दिया जिवो। राज्यर साधारण जनतांकर स्वास्थ्य को दृष्टि रे रखी राज्य सरकार डोर स्टेप ऑक्सीजन सेवा आरंभ करिछंती। डोर स्टेप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सेवा उद्घाटन करिबा अवसर रे मुख्यमंत्री कहिछंती भविष्यत रे कोरोना विरोधी लढे सहज हेबो। परवर्ती हेला ओडिसा रे कोरोना आणुछि भल खबर। 100 जणक परीक्षा रे 9 जण संक्रमित। स्वास्थ्य निर्देशक कहिले 8 दिन भीतर कमी जाई पारे संक्रमण। कोरोना भीतर आसुची भल खबर। द्वितीय लहर रो पिक परे खसुची कोरोना ग्राफ। आउ जून पहिला रु खसुची संक्रमण। कमुची पॉजिटिविटी रेट। गत 24 घंटा भीतर संक्रमण हार 10% तळकु खसी आसीछि। अर्थात जदि 100 जण कोरोना परीक्षा करुछंती सेथिरु 10% रु कम आक्रांत चिन्हट हेउछंती। मात्र 12टी जिल्ला रे सक्रिय संक्रमितक संख्या 2500 उपरे रहिछि। संक्रमण हार 10% रु ह्रास पाइथिबारु स्थिति रे सुधार आसुछि। जून 16 तारीख आडकु संक्रमण हार 5% तळकु आसी जाइथिबो बोली अनुमान करुछंती विशेषज्ञ। एहा परे लॉकडाउन को कोहळ करा जाई पारे। 10% तळकु खसिला राज्यर दैनिक संक्रमण। जून प्रथम 6 दिन रे 5% कमिला संक्रमण हार। कोरोना द्वितीय लहर शीर्ष छुईबा परे एबे द्रुत गति रे तळ मुहा हेउछि राज्यर कोरोना ग्राफ। परवर्ती रहला बिना टिकट रे यात्रा करुतुबा यात्रींक 11 कोटी टंका आदाय कला रेलवे। संरक्षण टिकट रो हेउछि कला बजारी। देश रे कोरोना संक्रमण पाद देबा पूर्वरु ट्रेन रे बिना टिकट रे यात्रा करुथबा यात्रींक संख्या बेस अधिक रहुथिला। रेल प्रशासन मध्ये समय समय रे जांच करुथिला। तेबे मुरादाबाद रेल डिविजन रु बिना टिकट रे यात्रा करुथबा यात्रींक ठारु 11 कोटी टंका आदाय करा जायछि। सूचना अधिकार अधीन रे मगा जायथिबा सूचना रु एही तथ्य मिलिछि। तेबे संरक्षण टिकट रो कला बजारी करी केते जण धरा पडिछन्ते से संपर्क रे RPF एवं उत्तर रेलवे रो विजिलेंस टीम सूचना देना ही। 2021 मार्च 27 तारीख रे डिविजनल रेल प्रशासन पक्षरु बिना टिकट रे यात्रा करुथबा यात्रींक संख्या संरक्षण टिकट रो कलाबजारी संबंध रे सूचना मगा जायथिला। परतिटीला महाप्रभुंक रथ निर्माण पई चलचंचल रथ खळारु कमार साळ। चालीछि पोलो गयळ हणा सह फ्रेम काम। स्नान पूर्णिमा रे उठिबो 3 रथर 4 नाहका। पाखै आसुछि महाप्रभुंक घोष।
ଘୋଷଯାତ୍ରା। ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହକୁ ରଥାରୂଢ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ। ସେପଟେ ଜୁନ୍ 24 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ରଥଘଳାରେ ପୋଲ ଗୟଳ ହଣା ସହ ଫ୍ରେମ୍ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ଏଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡା କାଠ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ପାଇଁ 2 ଲେଖାଏଁ ଅଞ୍ଜନା ଖୁଣ୍ଟି, 3 କୁରୁମ ପିଢ଼ା, 3 ସୁଧୁସୁଆର ପିଢ଼ା ସହ 3 ବେଶ ଘୋଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ 3 ରଥର 4 ନାହାକା ଉଠିବ। ସେଥିପାଇଁ ରଥକଳାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କମାରଶାଳରେ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେବାୟତ। କରୋନା କାଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ଗର୍ବର କଥା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେବାୟତ। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା 5G ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ, ଆଶଙ୍କା ଅମୂଳକ। 5G ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ନିରାପତ୍ତାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ସେଲୁଲାର ଅପରେଟର ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 5G ସେବାକୁ ନେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ଆଶଙ୍କା ଅମୂଳକ ଓ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ। COAI ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 5G ସେବା ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ୍ ଜଗତକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ ଓ ଏହା ଆମ ଦେଶ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏହି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 5G ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ରେଡିଏସନ୍ ପାଇଁ ଭାରତରେ ଥିବା ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବେଶ୍ ସକ୍ଷମ ରହିଛି, ଏଣୁ ଏହାର ନିରାପତ୍ତାକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ଆଶଙ୍କା ଅମୂଳକ। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ଉହାନ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ସନ୍ଦେହରେ ଆମେରିକୀୟ ଏନ୍ଜିଓ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ କବଳିତ କରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଭୂତାଣୁ କେଉଁଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହାକୁ ନେଇ ଖୋଳତାଡ ଜାରି ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଚୀନ୍ର ଉହାନରେ ଥିବା ଉହାନ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଭାଇରୋଲୋଜି ଉପରେ। ଏବେ ଏହି ଗବେଷଣାଗାର ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଏନ୍ଜିଓର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଏହି ଏନ୍ଜିଓର ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ପିଟର ଡାସଜାକାଙ୍କ ଇକୋ ହେଲ୍ଥ ଆଲାଏନ୍ସ। କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ଏହି ଏନ୍ଜିଓ ଉହାନ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣ କରିଥିଲା। ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଏନ୍ଜିଓ ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କଠାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ପାଇଥାଏ। ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ପେଣ୍ଟାଗନ୍ 2013 ଏହି ଏନ୍ଜିଓକୁ ପ୍ରାୟ 39 ନିୟୁତ ଡଲାର ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। 2017-2020 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଏନ୍ଜିଓ ପ୍ରାୟ 123 ନିୟୁତ ପାଣ୍ଠି ପାଇଥିଲା। ଏହି ପାଣ୍ଠିର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଉପରେ କରାଯାଇଥିଲା ଗେନ୍ ଅଫ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ନାମକ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଟିକାକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଲା ବିଜେଡି ବିଜେପି କଳ। ଶନିବାର ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ WHOର ଅନୁମୋଦନ ନଥିବାରୁ ବିଦେଶକୁ ଯାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି କୋଭାକ୍ସିନ୍ ନେଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଆୟୋଗ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। ସାଂସଦ ଜନବିରୋଧୀ, ମିଥ୍ୟା ଓ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ନ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଓ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର କହିଛନ୍ତି। ଟିକା ନେଇ ବିଦେଶ ଯିବା ସର୍ତ୍ତ WHO ରଖିନଥିବା ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି କରିଛନ୍ତି।